हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक के बारे में, जो है CR-147 के हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जानना है बात। जनरली कई बच्चों को तो पता है, कई स्टूडेंट को पता है इन बातों के, इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन बहुत सारे को नहीं पता है कि उनको CR मिलने के बाद करना क्या है। अभी आपको पता ही होगा, मैंने जो है अभी लास्ट डे एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि CR का फॉर्मेट वगैरह क्या था। तो उसी टाइम मुझे कमेंट आने लगे कि अब CR मिलने के बाद करना क्या, क्या है अगला स्टेप, हमें क्या करना है CR मिलने के बाद, हमें OJT करनी है या फिर हमें अप्रेंटिसशिप करनी है या फिर हमें जॉब करनी है, आखिर हमें करना क्या है CR मिलने के बाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आगे हमें क्या करना है। जितने भी 147 के स्टूडेंट्स हैं, तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए एविएशन जगत का। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये बता दें कि अगर आपको समझना है कि 147 का, अगर आप जैसे जनरली वेट कर रहे हो कि DGCA आपको कुछ बताएगा, DGCA बताएगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि DGCA एक तरह से कोई नोटिस आएगा इस तरीके से कि आपको CR मिलने के बाद क्या करना है। अब आप देखिए, Series E Part 8 स्टूडेंट को, अब मैं वहाँ से लेकर थोड़ा समझाना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट कि वो सब क्या करते थे। जैसे कि उनका 2.5 ईयर का कोर्स होता था, जो कि वो पहले कॉलेज में कंप्लीट करते थे, उसके बाद उनकी OJT होती थी 6 मंथ की ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन जाकर कंप्लीट करने थे वो ट्रेनिंग, और उसके बाद वो कहीं भी अप्रेंटिसशिप या जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते थे। कहीं पर भी अपनी 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं जो कि पेड होती है, और कहीं पर भी जॉब जॉब फिर उसके बाद कर सकते हैं, जैसे जूनियर टेक्नीशियन, ट्रेनिंग टेक्नीशियन, जहाँ पर जिस तरीके से जॉब की ज़रूरत हो। लेकिन अब क्या है, 147 स्टूडेंट के लिए बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी यही है कि हम जो है CR मिलने के बाद भी हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग OJT करनी है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं तो OJT तो बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे 2 साल के कोर्स के अंदर ही, अभी कोविड काल थोड़ा एक्सटेंड हो गया उसको छोड़िए, लेकिन 2 साल के कोर्स के अंदर ही हमें वो OJT कंप्लीट करनी है, जो कि आपको पता ही होगा, आपका भी कहीं कॉलेज के का किसी न किसी के साथ टाई अप होगा जो कि आपकी ट्रेनिंग को कंप्लीट कराएगा। वो इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग है, वही ही हमारी OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो इस बात को पहले क्लियर कर लीजिए कि कोई और हम जा रहे हैं, अगर बोला जा रहा है कि आपकी OJT फिर से हो रही है, तो जो जितना मैं सोचता हूँ, जितना मैं मेरे अनुसार, तो हमारी OJT अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी करवा दी गई। बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि 1,10,000 15,000 देकर के 2 महीने की ट्रेनिंग एयर इंडिया के साथ टाई अप किए हैं, तो अगेन तो बच्चे पैसा देंगे नहीं कि कहीं फिर जा रहे हैं, फिर 6 मंथ की ट्रेनिंग करें और फिर से पैसा दें। तो ऐसा कुछ जो मुझे लग रहा है कि हमारी OJT नहीं होनी है किसी भी हाल में, कॉलेज के टाइम कंप्लीट हो चुके। तो बात है भाई कि हमें करना क्या है आगे। अब OJT तो पहला ऑप्शन खत्म है यहाँ पर कि OJT नहीं करना, तो अब 2 चीज़ और बची, अप्रेंटिसशिप और जॉब। तो अब हम अगर बात कर लें जॉब के बारे में, तो आपको पता है कि कोविड काल फील्ड कितनी ज़्यादा कंडीशन खराब है जॉब की, तो कहीं जॉब डायरेक्टली मिल जाए तो ये भी मुश्किल है। तो अब सेकेंड चीज़ बचती है कि अप्रेंटिसशिप या फिर कहीं पर ट्रेनिंग हमें मिल जाए, और किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग हो, जैसे पेड ट्रेनिंग हो, कंपनी हमें कुछ पैसा दे स्टार्टिंग में, उस तरीके की ट्रेनिंग हमें मिल जाए, या फिर किसी प्रकार की अनपेड ट्रेनिंग हो, कोई पैसा ना दे, बस आपको एक्सपीरियंस दे दे कंपनी, तो वो भी ठीक है। कंपनी जो हम कुछ टाइम वहाँ पर काम करें, किसी कंपनी में हमें एक्सपीरियंस दे, लेकिन वो ऑन जॉब ट्रेनिंग ना हो ना, कि अब इस बात को क्लियर समझिएगा कि वो ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो ऑलरेडी उसको कर चुके हैं। और जो बच्चे करते थे कॉलेज से निकलने के बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग, वो सब Series E Part 8 वाले स्टूडेंट थे, जो 1-4-5 Series E Part 8 वाले थे, उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद उनको CFC मिलती थी, और हमें भी OJT के बाद समझ लो कि CFR मिल जाता है, और आपको नहीं मिला तो आपको भी मिल जाएगा। तो अब उस CFR के बाद आपको क्या करना है, आपको कहीं पर अप्रेंटिसशिप करनी है या फिर पेड अनपेड ट्रेनिंग करनी है, या फिर आप जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अगर कहीं पर है वैकेंसी तो आप फिल कर सकते हैं उसको, आप भी जॉब के लिए एलिजिबल हैं, जहाँ से 0-1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा वहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि आपको अब ऑन जॉब ट्रेनिंग CFR के बाद नहीं करना है, आपको कहीं पर अप्रेंटिसशिप करनी है, पेड अनपेड ट्रेनिंग जो भी मिल जाए उसको करिए, एक्सपीरियंस आप अपना लीजिए, और फिर आगे ऐसे फील्ड में बढ़ते रहिए, और कहीं जॉब मिल जाती तो बहुत बढ़िया बात है, आप जॉब के लिए भी एलिजिबल हैं। लीजिए कि अगर आप अभी भी कुछ बच्चे वेट कर रहे हो कि अब DGCA में नोटिस देगा, तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि अब DGCA किसी प्रकार की नोटिस देने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं बच्चों को CFR मिलना स्टार्ट हो गया, अभी तक किसी प्रकार की कोई भी नोटिस नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा कि आपको फिर से OJT नहीं करनी है, आपको कोई ट्रेनिंग करनी है या फिर जॉब मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और सपोर्ट करिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।